अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज नरेशन का दूसरा पार्ट हमने पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, एट दैट टाइम द सेंस ऑफ द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज्ड। मिसाल से मैंने समझाया, ही सेज द ट्रेन विल बी लेट, ये बन जाएगा He says the train will be late. एक और मिसाल, she says John reads a book. ये बनेगा she says that John reads a book. फिर एक और मिसाल, Ahmed says I am unwell. Ahmed says that he is unwell. मैंने लिखा है अगर reporting verb present simple में हो, जैसे यहां he says आया है, या future simple में हो, या आएगा he will say. He says, या he will say, she tells, या she will tell, जब इस तरह रिपोर्टिंग वर्ब इस सूरत में होगा तो उस वक्त रिपोर्टिंग स्पीच के सेंस में, रिपोर्टिंग स्पीच क्या जो वर्ब है उसके सेंस में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। इसलिए मैंने यहां लिखा है he says the train will be late, यहां फिर से बन गया he says the train will be late, इन्हें विल में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई है। इसी तरह शी सेज जॉन रीड्स ए बुक, यहां नीचे आया है शी सेज दैट जॉन रीड्स ए बुक, रीड्स में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई है। लेकिन ये तब है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल में हो। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अहमद सेज आई एम अनवेल, यहां आया है अहमद सेज दैट ही इज अनवेल, ऊपर वाला आई एम अनवेल, या नीचे आया है ही इज अनवेल, एम जो है ये इज में हो गया, एम बी प्रेजेंट, एम बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इज बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन आई जो है यहां ही में तब्दील हो गया है। हमें सब्जेक्ट के हवाले से पहले ये जान लेना चाहिए। अब मैं बताऊंगा आपको पहले कि आई या नीचे ही में कैसे तब्दील हो गया। अब आपको ये समझना है, हियर वी मस्ट नो अबाउट द चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस के हवाले से हमें मालूमात होनी चाहिए। क्या लिखा है मैंने, द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई, वी, मी, अस, माई, आवर, माई सेल्फ, माइन, आवर्स, आवर या आवर सेल्वज, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा ये फर्स्ट पर्सन वाले, उसी के मुताबिक चेंज होते हैं। जैसे मैंने मिसाल से समझाया, ही सेड टू मी आई एम वर्किंग हार्ड, यहां क्या आया, he told me that he was working hard, I जो है ये यहां he के हवाले से तब्दील हुआ है। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है कि ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहां जो डायरेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है ये है he, said जो है वर्ब और me है उसका ऑब्जेक्ट, लिहाजा रिपोर्टिंग वर्ब का जो यहां सब्जेक्ट है वो है ही। इसीलिए मैंने लिखा है ऊपर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब सारा सेंटेंस सारा पार्ट है, ही सेड टू मी, अब तक ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे उसका जो सब्जेक्ट है ये ही है, जैसे फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज होते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने समझाइया, दे सेड टू अस वी वायर वर्किंग, इसको मैंने तब्दील किया है, दे टोल्ड अस दैट दे हैड बीन वर्किंग, ये हैड बीन कैसे आया है इसके बारे में बात होगी बाद में। पहले मैं आपको सब्जेक्ट के हवाले से समझाता हूं कि हम सब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं। ये जो यहां दे है रिपोर्टिंग वर्ब, जो दे रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा जो यहां है, दे सेड टू अस, इसका सब्जेक्ट है दे और ऑब्जेक्ट है अस, क्योंकि आगे आया है रिपोर्टिंग स्पीच में वी, वी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, लिहाजा ये वी जो है ये अकॉर्ड ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट यहां दे है, लिहाजा ये बन गया दे टोल्ड अस दैट, दैट के बाद रिपोर्टिंग स्पीच का जो हिस्सा होगा ये दे से ही शुरू हो जाएगा, जैसा बन जाएगा दे हैड बीन वर्किंग। इसके बाद सेकंड पर्सन वाली जो दूसरा पार्ट है, द सेकंड पर्सन प्रोनाउंस क्या क्या है, यू, यूअर, यूअर्स, यूअर सेल्फ, यूअर सेल्फस एटसेट्रा, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ओम चु गसाव ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब चेंज, तुम वो आई सेड टू हर यू कैन पास,
I said to her, reporting verb. At subject I, her, object şu her. Ne ki yapan o değil. I told her that she could pass. Çünkü açı bu şun, you see her şu. Her şu, object case. Kim yok, she yok. Lazım ki yemeyeceğim, she yüzden as. Subject case onun şu, so şu she. Her yok yüzden subject case şu, so şu she. Lazım ona yemeyeceğim, she could pass. Lazım, you see her şu. Her yüzden you şu. You got change. According to the object of the reporting verb, it was her. Yedis bu çok. Harasmazır kya şu. Yedis bu çok. Harasmaz kya şu. Yedis bu çok. Haruk. Subject case kya şu. Çünkü suçu she. Tabii onu yiyince she could pass. İşte bunun önünde bir dayı mesela. My father said to me, you must work hard. Yet onun me. My father told me that I must work hard. Çünkü yet me, laza yet hu diyor I, yüzden me şu, işte object case ayuk, laza you got change according to the me. Maga çünkü you bu subject case, laza şu me yoktu sonra subject case, me yok subject case I, tabi ayet I must work hard. İşte bu şu, bu üçüncü part, the third person kes poşet change ise, got samjö third person kya kya şu, third person pronoun subject personal kya, third person pronouns kya kya şu, işte he, him, his, himself. She, her, hers, yani they, them, their, theirs, themselves. Onun için kesen, of the reporting speech. Onun için bazen, yüzden şu eşi, my, şu eşi, the third person pronouns, he, him, his, himself, she, her, hers. Yani they, them, their, theirs, themselves of the reporting speech remain unchanged. Omission change kesan, neither according to the subject, nor according to the object, they always remain unchanged. Toh yuh şu bunkin example se, I said he will come. Even I said that he would come. He was it, yet it was he. Ise por dayı misal, Ali said she was here. Even he, Ali said that she had been here. Yani which she, yet she. İst bu lojik pata ki yumzan third person pronoun şu, om çurazan unchanged, om çın change kesan ki, aaj ki devlet itna hi, kal phir milenge, tab tak ke liye khuda hafiz. Assalamu alaikum.